बरे सगीर में जो खाबे लाहौर की नस्बत से बहुत मशहूर हुए, इनमें चरगा सरे फहरिस्त है। और कौन नहीं जानता कि तबाक का चरगा शहर भर में अपनी मिसाल आप है। लाहौर के लक्ष्मी चौक पर बहुत से मशहूर खानों की दुकानें हैं, इन्हीं में से एक तबाक रेस्टोरेंट भी है। एबट रोड की जानिब से आए तो इसका इख्तिताम लक्ष्मी चौक पर होता है। इसके दाएं कोने पर तबाक है, जो आज से 44 बरस कबल कायम किया गया था। लाहौर में सालम रोस्ट चिकन, जिसे उर्फ़ आम में चरगा कहा जाता है, बाकायदा तौर पर तबाक नहीं मुतारिफ कराया था। हर आने वाले दिन के साथ यह मकबूल होता चला गया। इसी मकबूलियत के पेश नज़र तबाक ने अपने यहाँ दीगर खाने भी मुतारिफ करवाए, मगर चरगा हमेशा अव्वल ही रहा। 1976 में जो टेस्ट दिया था, अब ये 2020 जैसे 2020 कह रहे हैं, अब तक स्टिल वैसे ही जा रहे हैं। ये ब्रायलर चिकन होता है, क्योंकि देसी कुक नहीं हो सकता, उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। जो चरगा है वो स्पेशलिटी है तबाक की, बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। तबाक का अब तो नाम है, तो लाहौर में तो है ही है, लोग इवन बाहर भी लेके जाते हैं पैक करवा के। नान इसके साथ है, बटेर रोस्ट है, मटन लेग रोस्ट है, स्पेशलिटी हमारी। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर हमने और डिशेज का इजाफा किया। तबाक को लक्ष्मी चौक की रौनक भी कहा जाता है। इसके चरगे में मुनफरिद और मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे चरगे का जायका इस कदर लजीज हो जाता है कि खाने वाले अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। रोज चरगे की तैयारी बड़ा दिलचस्प अमल है। एक बड़े शीशा लगे मशीनी तंदूर में सुलाखों में परोए हुए बहुत से सालम मुर्ग जब घूमते हुए रोस्ट होते हैं, तो इनको देख देख कर ही मुँह में पानी आने लगता है। मगर तंदूर में जाने से पहले सालम मुर्ग को अच्छी तरह धोकर इस पर दही और 2 दर्जन के करीब मसालों का अमेजा लगाया जाता है। कई घंटे मैरिनेट करने के बाद चिकन को बड़ी सुलाखों में परोकर रोस्ट करने के लिए तंदूर में मुंतकिल कर दिया जाता है। तंदूर में हर चरगा बारी बारी घूमकर आग के सामने से गुजरता रहता है और लगभग 2 घंटे तक ये अमल जारी रहता है, जिसके बाद चिकन का गोश्त पककर सुर्ख हो जाता है। और इस चरगे को मजीद लजीज बनाने के लिए एक बड़ी कढ़ाई में फ्राई किया जाता है। पकने के बाद रोस्ट चरगे पर मसाला छिड़क कर इसको हसबे जायका मजीद चटपटा भी किया जा सकता है। देगी चरगा भी तबाक के मेन्यू में शामिल है। इसकी तैयारी की इब्तदा भी रोस्ट चिकन की तरह होती है, मगर इसे मशीनी तंदूर की बजाय बड़े से बर्तन में भाप के जरिए पकाया जाता है। इसका चटपटा और तीखा जायका भी यहाँ खाने वालों में बहुत मकबूल है। तबाक एक 1976 से ऐसा नाम है जो लाहौर में हर लाहौरिये की ज़ुबान पे और टेस्ट में शामिल है जी। मैं पिछले शायद 22 साल से इस जगह पे आ रहा हूँ खाना खाने, और हमेशा रेकमेंड करता हूँ जो लाहौर आते हैं विजिटर्स, उनको तबाक लेके आते हैं। इनका चरगा स्पेसिफिकली बहुत टेस्टी होता है। इट्स हैज़ द क्रिस्प, इट हैज़ द वेरी टेंडर टेस्ट, चिकन बहुत अच्छा बना होता है, सो आई रियली लव इट। इनकी सर्विस, इनके पुराने लोग जो सर्व कर रहे हैं अभी तक, उनका सलाम है उन लोगों को कि वो किस तरह खिदमत करते हैं और कितने अच्छे तरीके से सर्व करते हैं लोगों को, सो इनका टेस्ट इज़ परसिस्टेंट। तबाक के लजीज चरगे को भी यहाँ के मशहूर रोगनी नान के साथ ही खाना चाहिए। रायता और सलाद तो वैसे भी गोश्त वाले किसी भी डिश के साथ खाने की रिवायत है, तो तबाक का चरगा भी इस रवायत से मुबर्रा क्यों हो। तबाक के बाहर पार्क गाड़ियों की लंबी कतार और अंदर मौजूद खाने वालों की कसीर तादाद यहाँ के चरगे की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।